नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेफ अनुज और आज एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और आज मैं बनाने जा रहा हूं पोहा फिंगर। काफ़ी तरह के फिंगर होते हैं, तो ये भेज वालों के लिए काफ़ी अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पोहा फिंगर के लिए सबसे पहले जो है पोहा लेने पड़ेंगे, वो आपको मिक्सी में ग्राइंड कर देना है। चलो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। पोहा फिंगर के लिए आपको चाहिए बॉयल आलू। मैंने 5 बॉयल आलू लिया है, एक हरी मिर्च चॉप कर दिया है और थोड़ा सा धनिया चॉप कर दिया है, और ये पोहा को मिक्सी में पीस लिया है। तो सबसे पहले आपको आलू को मैश कर देना है। तो ये सारे अच्छे से मैश हो चुके हैं आलू को। अब आपको डाल देना है जो हरी मिर्च हमने चॉप करी थी, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। उसको भी अच्छे से आपको मिला देना है। और ये सब जब अच्छे से मिल जाए उसके बाद आपको डालना है पोहा। उसके बाद आपको पोहा डाल देना है जो पीसा हुआ था हमने, और इसको अच्छे से आलू के साथ गूंद देना है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है, तो मेरे को इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा पानी यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल देता हूँ, और 1 चम्मच ऑयल। तो अब आपको फिर से इसको अच्छे से गूंद देना है। तो ये आपका जो है 10 मिनट रेस्ट करने के बावजूद जो है ये आपका ठीक से अच्छी तरह से डो तैयार हो गया है। तो अब आपको इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है ये, इसको ऐसे करके, उसके बाद आपको इस तरह से इस तरह से आपको बना देना है। और ये इतने इतने छोटे छोटे कट, कर देने एक साइज के बढ़िया से। चलो मैं इसको फटाफट करके दे देता हूँ आपको कर। आपको एक एक करके सारे जो है बना देने, तो मैंने सारे बना दिए, एक एक करके दिखाता तो वीडियो लंबा हो जाता। तो ये सारे तैयार हैं, अब इसको करना है फ्राई। तो मैं थोड़ा तेल मेरा गर्म हुआ या नहीं हुआ मैं चेक कर लेता हूँ, तो एक में डाल के देख लेता हूँ। तो ये गर्म हो चुका है और मैं इसको थोड़ा मीडियम पे कर लूँगा, तेल को मीडियम फ्लेम पे। तो मैं इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके सारे ही डाल देता हूँ।
तो ये फ्राई होके जब आपको लगेगा ये ऊपर आ जाएंगे, अपना आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो मीडियम लो पे आपको ये आराम से तलने हैं। तो ये देखो ये धीरे धीरे ऊपर आने लग गए हैं और इसको गोल्डन ब्राउन कलर तक आपको फ्राई करना है। तो इन्होंने गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया है, तो इसको आपको वो काफ़ी अच्छा कलर आया है और काफ़ी क्रंची भी होते हैं ये। तो मैं सारे फ्राई कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो पोवा फिंगर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये देखो काफ़ी अच्छे और क्रंची काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं। मैं आपको खा के भी दिखा देता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा कि कितनी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है। इसको आप घर पे टमाटर सॉस, मेयोनीज और या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ऊपर से आपको हल्का चाट मसाला डालना है। काफ़ी अच्छी रेसिपी है, आसान तरीका है जो कि आप अपने घर पे इस रेसिपी को बना सकते हो। तो हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शायद साइट में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आज के लिए इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।